आजकल आपको पता है कि आजकल प्लास्टिक से टी शर्ट बनते हैं। हमारे घर पे पड़ा हुआ था पेप्सी को, आप पेप्सी आप लोगों ने सुना होगा कंपनी का नाम पेप्सी याद है ना? हाँ, तो पेप्सी को है स्टार्टेड मेकिंग टी शर्ट्स, 12 प्लास्टिक बॉटल से वो एक टी शर्ट बनाते हैं। क्या आपको पता है जो रोड पे आप टाइल्स देखते हैं, यहाँ पे आप अंदर पहुंच जाओगे तो टाइल्स दिखे होंगे आपको, इंटरलॉकिंग टाइल्स होते हैं, सीमेंटेड टाइल्स होते हैं, वो भी प्लास्टिक से बन रहे हैं आजकल। पार्क्स में जो बेंचेस हैं वो भी रियूजेबल प्लास्टिक से बनते हैं। तो अगर आप अपने घर के प्लास्टिक को अलग करके देंगे नगर निगम को, तो वो ऐसी संस्थाओं को देंगे जो इसका रियूज करके इसको इकोनॉमिकली बेनिफिशियल बना पाए। अगर आप वेट वेस्ट देंगे तो उसको हम मैन्यूअर बना के, खाद बना के उसको हम वापस किसानों को दे सकते हैं कि उसमें से वो फिर से उसमें खेती करें। राइट, सो बेसिकली ग्रीनिंग का जिम्मेदारी हमारा तो है ही, बट ग्रीनिंग की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। और ग्रीन इनिशिएटिव्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स, आप में से कितने लोग रूम से निकलने से पहले लाइट और पंखा ऑफ करते हैं? कितने लोग झूठ बोल रहे हैं? कितने लोग हैं जो हीटर अपना ऑफ करते हैं रूम से निकलने से पहले या गीजर ऑफ कर देते हैं? गीजर नहीं है तो वेरी गुड, बेस्ट है, बट हीटर ऑफ कर देते हैं। बहुत बार मैं अपने सरकारी ऑफिसेज में देखता हूं, मेरे घर पे भी मैं देखता हूं कि भाई साहब का घर है, सब चीज ऑन रहे तो क्या बुरी बात है? राइट, बट दैट्स नॉट ट्रू। आपको लाइट और पंखा अगर आप ऑफ करेंगे तो उसमें सिर्फ आप अपने अपने बिजली का बिल नहीं बचा रहे, बट आप पूरे एनवायरमेंट को हेल्प कर रहे हैं क्लीन और ग्रीन रहने, क्योंकि उतना ही डिमांड हमारा कम हो रहा है। राइट, तो वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसमें आपको और हमें मिल के काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, आप रागिनी, आपके लिए ये राहिनी, हाँ ओके, दिस इज़ फॉर यू राहिनी। जी मेरी ग्रामीण जी सर्च मार्ग पर आई वाज जस्ट वांटेड टू आस्क यू एज यू आर एन एक्स आईआईटीएन एंड अ करंट आईएएस, so you just, how can you overcome with the pressure that you handle by giving the entrance examination as a JEE purpose and as for IAS, no sorry UPSC? तो आपका प्रश्न अगर मैं इसको थोड़ा easy बना दूँ कि exam pressure को कैसे deal करना, how can we deal with exam pressure and the stress that given by the society or the parents? अच्छा हाँ, okay, ठीक है, बैठे। ये जो स्ट्रेस बाय पेरेंट्स होता है ना, ये उसको मैं मजाक मजाक में बोलता हूँ मिडिल क्लास कर्ज। अमीर लोगों को ये कर्ज नहीं होता, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके माँ बाप होते हैं बेटा कुछ पढ़ ले कुछ बन जा, वरना क्या करेगा, परचून की दुकान लगाएगा? होता है कि नहीं, सुना है कि नहीं? क्योंकि मेरी माता ने मुझे बोला था कि मेरे पास परचून की दुकान लगाने के पैसे नहीं है, तो कुछ पढ़ लो। बट एनीवे दिस इज अ जोक, नॉट टू बी कोटेड एनीवेयर एल्स। बट एक सोशल एक्सपेक्टेशन तो है ही कि आपको जो एक जो मतलब पेरेंट्स आपको ये क्यों कह रहे हैं ये भी आपको समझना होगा। अब मैं उस एक ट्रांजिटरी फेज में हूं जो मैं आपके और पेरेंट्स के बीच में आ गया हूं, तो मुझे दोनों जगह की चीजें दिखती हैं। पेरेंट्स आपको ऐसा क्यों कहते हैं कोई बताएगा? क्यों कहते हैं? वन, सिक्योर फ्यूचर। सेकेंड, इधर से नहीं, इधर से क्यों कहते हैं? Exactly. तो पेरेंट्स आपको ये इसलिए कहते हैं, आपकी भलाई के लिए कहते हैं, उनको लगता है कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप परिश्रम करेंगे, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपकी के लिए भला रहेगा और आपको आगे की चिंता नहीं होगी। राइट, बट ऑब्वियसली उसका फ्लिप साइड आपके ऊपर ये पड़ता है कि आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि मुझे अच्छा करना है फॉर माई पेरेंट्स, मुझे अपने माँ बाप के लिए अच्छा करना है। राइट, और उस प्रेशर में क्या होता है कि अगर आप थोड़ा भी सक्सीड नहीं करते हैं तो आप और स्ट्रेस में आ जाते हैं और एक वो विशेष साइकिल बन जाता है ना। पेरेंट्स आपसे शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप शायद ये डिलीवर कर पा रहे हैं और इस गैप में आप स्ट्रेस में। राइट, तो आप उस स्ट्रेस से कैसे आप डील करेंगे, उसके दो तीन उपाय हैं। एंड ये मतलब अब हम 2023 में बैठे हैं तो मुझे लगता है कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि आजकल बच्चे अपने मम्मी पापा से बहुत आसानी से बहुत सारी चीजें कह देते हैं। yes.
15-18 साल पहले 2006 में 17 साल पहले जब मैं 11th में था तो इतने आसानी से मैं चीजें नहीं कह पाता था और उससे और 15-17 साल पहले चले जाएंगे तो माँ बाप के सामने चुप करने का भी मतलब था करेक्ट ये सही बात है तो एवरी जेनरेशन यू नो इवॉल्व्स और आप लोग जितना फ्रीली मुझसे बात कर रहे हैं उतना फ्रीली शायद मैं भी नहीं बात कर पाता किसी स्पीकर से उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं बात की तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पेरेंट्स आपसे कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्ट एक तो पहले पेरेंट्स कभी भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं अगर रख रहे हैं तो इट इज ऑलवेज गुड टू स्पीक टू देम ऑलवेज गुड मम्मी पापा मुझे आपसे ना 5 मिनट बात करनी है आप जो मुझे ये कह रहे हैं कि ये आप करके दूं मैं आपको ये शायद मैं न कर पाऊं और मैं ट्राई कर रहा हूं ऐसी बात नहीं कि मैं ट्राई नहीं कर रहा बट मे बी दिस इज नॉट वॉट आई कैन डू या ये ऐसी चीज है जो शायद मैं कर ही ना पाऊं तो एक तो यू नीड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन सबसे पहले तो ये कॉन्वर्सेशन जरूरी है वरना अगर आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे उस एक्सपेक्टेशन के बोझ से तो आप कभी कुछ नहीं दूसरी चीज सोसाइटी आपको तभी तक इफेक्ट कर सकती है जब तक आप चाहें कि वो आपको इफेक्ट करे अगर आपके पेरेंट्स आपसे खुश हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है ये बगल वाले शर्मा जी क्या कह रहे हैं या बगल वाले चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कोई फर्क पड़ रहा है आप अपने मम्मी पापा की तरफ आंसरेबल हो ना अपने परिवार की तरफ आंसरेबल हो आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम जी नमस्कार जी बहुत बढ़िया जी आप ठीक हैं करके आगे बढ़े ठीक है सेकंड हाउ टू डील विद प्रेशर प्रेशर से डील करने का तरीका हर का अलग होता है कोई खेलना चाहता है अगर बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस में आ जाता है तो बोलता मैं 1 घंटे क्रिकेट खेल लेता कोई बहुत प्रेशर में आ जाता है तो कहेंगे कि मैं 1 घंटे फेंसिंग कर लेता कोई बहुत प्रेशर में आ जाता है तो कहता मुझे 1 घंटे टीवी दिखा दूंगी कोई कहेगा मुझे एक मूवी दिखा दीजिए कोई कहेगा मुझे बर्गर खाना है कोई कहेगा मुझे पिज्जा खाना है राइट कोई नहीं तो चाट खिला दी थे छोले भटूरे तो हैं तो हर का कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है और कोई भी कोपिंग मैकेनिज्म किसी का भी सही या गलत नहीं है कोई कहेगा भाई मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने दिया जाए 1 घंटे एब्सोल्युटली फाइन आपको ये सोचना है कि भाई कहां तक आप प्रेशर ले रहे हैं और कहां पे आपको उस प्रेशर को डिफ्यूज करना है और वो तभी पता चलेगा जब आप एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ ऑनेस्ट नहीं है अगर आप वो कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं बातचीत नहीं कर रहे हैं तब आप भी उनसे संकोच करेंगे वो भी आपके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे और फिर क्या होगा अननेसेसरी स्ट्रेस होगा तो एक टेक अवे जरूर लीजिएगा कि अपने मन की बात जरूर बताइए मम्मी पापा को नहीं बता सकते भाई बहन को भाई बहन को नहीं बता सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त है आपका उसको बताइए अंदर ही अंदर जो अंदर रह जाता है ना वो काला होता है और जो अंदर से बाहर निकलता है वो काला होता है सो एक्सप्रेस योरसेल्फ ठीक है नेक्स्ट सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम सिविल सर्विस के एग्जाम देते हैं तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में सर सिलेक्शन नहीं हो पाता तो सर सेल्फ कॉन्फिडेंस सर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं तो इन सब से ओवरकम कैसे करना है बहुत अच्छा क्वेश्चन एक वो कहानी सुनी थी हमने बचपन में सुनी होगी ना कि एक चींटी थी वो चढ़ रही थी एक राजा था वो जेल में था एक चींटी थी वो चढ़ रही थी फिर गिर जाती है फिर वो चढ़ना शुरू करती है फिर वो गिर जाती है फिर थोड़ा और आगे जाती है फिर गिर जाती है क्या चींटी ने चढ़ना छोड़ा क्यों नहीं छोड़ा उसको अपना लक्ष्य प्राप्त करना ठीक है दूसरा एक और कहानी बचपन में आप लोगों ने सुना होगा कि अर्जुन एक बार गए थे तो एक मछली ऊपर घूम रही थी उनको बोला गया कि नीचे पानी में देखो उसकी आंख पे मारो हाँ तो बाकी लोग जो थे वो लोग उनसे पूछा गया था कि क्या दिख रहा है तो किसी ने कहा कि मछली दिख रही थी फिर दूसरे से पूछा आपको क्या दिख रहा है तो किसी ने कहा मुझे तो मछली का चेहरा दिख रहा है फिर अर्जुन आए और अर्जुन से पूछा कि आपको क्या दिखता है अब अगर अर्जुन को पूरा मछली दिखता है तो क्या वो सांप को अचीव कर लेते हैं एंड एज आई सेड
लाइफ में किसी भी एंडेवर में आप फेंसिंग करिए नेशनल लेवल, आप एथलीट हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, क्या आप पहली बार में नेशनल लेवल एथलीट बन रही हैं? मछली की आंख दिख रही है, अगर आपको अर्जुन की तरह वो मछली की आंख दिख रही है और अगर आपको उस चींटी की तरह आपके डिटर्मिनेशन है, तब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो आपका या आपका लास्ट अटेम्प्ट में, कोई फर्क नहीं। अपने हिसाब से चलिए और लिटरली फर्क नहीं पड़ता कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आइस क्लियर कर लिया कि आपने लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, एज लॉन्ग एज यू हैव अचीव्ड व्हाट यू सेट आउट टू अचीव। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आईआईटी के, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत बार सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया लेकिन उनका नहीं हुआ सिविल सर्विसेज, बट आज जब उनके साथ बैठ के हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि वो 3 साल और 4 साल उनके लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंसेस थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी। आज के दिन पे वो कहते हैं मुझे ये भी पता है कि विदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, मुझे ये पता है कि सेल्फ रेगुलेशन कैसे होता है। इस एग्जाम में ना आपको बहुत ही पेशेंट रहना होता है, बहुत ही परसिवियर करना होता है आपको क्योंकि 1 साल का पूरा एग्जामिनेशन साइकिल होता है, राइट? तो ये एग्जाम आपको पेशेंस बहुत सिखाता है। तो शायद वो सक्सीड ना कर पाए लेकिन अगर उनका कैरेक्टर एट्रीब्यूट बेटर हो गया, अगर वो मोर पेशेंट हो गए, मोर फोकस्ड हो गए, तो फिर दैट इज आल्सो विन। तो अगर वो दिख रहा है तो फिर छोटी छोटी चीजें ना करें, ठीक है? थैंक यू। वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। तो तीनों का क्वेश्चन ले लेंगे और चार ऐसा करते हैं, let's do one thing, because तो we take 3 questions अभी and what I will request is that Arupen Nirav ji, ये जितने और questions होंगे, उन सबको please note करके with the name of the school मुझे दे दिया जाए और मैं वो जवाब बना के आपका वो बबल का प्रश्न हुआ था कि विल द मोस्ट डायनेमिक एसडीएम डीए ऑफ द स्टेट, मतलब आप जहां जाएंगे चीफ मिनिस्टर आपको कॉल करेगा, ओ भाई आप हमारे स्टेट में आए ट्रेनिंग में, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में, लबसना में, या फिर जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? अभी तक नहीं हुआ। अभी तक मैं वो सब और काम में लगता है कि आज को एक्साइटिंग करना है, आज को अच्छा करना है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना आपको ये लगता है कि ये घुमा फिरा के कोई नौकरी हो रहा है, बट अगर आप रोज सुबह उठ के उस मोटिवेशन के साथ काम कर सकते हैं कि नहीं आज मुझे 10 लोगों को खुश करना है, 10 लोगों का काम करके उनको खुश करना है, अगर आपको ये लगता है कि आज मुझे 50 फाइलें क्लियर करनी है या मुझे आज नगर निगम में इस कॉलोनी की जितनी गंदगी है वो साफ करवा देना, अगर उस मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ आप रोज उठेंगे ना तो आपका बबल कभी पहुंच सकते। आपको हर दिन अपने टारगेट को कैलिब्रेट करना होगा, कहने का मतलब आप रोज ये नहीं सोच सकते कि भाई आज तो मैं मथुरा वृंदावन को यार नंबर वन बना दूंगा, ये नहीं होगा, हर दिन आपका टारगेट गिरी करेगा। इसी के दिन जिस दिन मुझे मेरा मतलब मूड ऑफ रहता है तो उस दिन अगर मैं 2 लोगों की भी शिकायतें सुलझा देता हूँ ना तो मुझे बहुत, और किसी किसी दिन अगर मैं बहुत जज्बा हो तो मैं 100 लोगों का भी शिकायत निस्तारण कर सकता हूँ, लेकिन वो जज्बा रहना चाहिए और उस मोटिवेशन को आपको कैलिब्रेट करते रहना चाहिए। सिमिलरली अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हर दिन तो आप 12 घंटे पढ़ाई नहीं करते ना, इसी दिन आप 2 ही घंटे करोगे, लेकिन अगर आपने 2 घंटे मन लगा के पढ़ाई कर लिया तो उस दिन भी आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना आपने किसी दिन अगर 8 घंटे लगाएंगे तो उस दिन, करेक्ट? जो मम्मी पापा नहीं समझे
लिए हमारे वो, तो हम उसके लिए क्या करें, मतलब मना करें कि नहीं तू इस लाइन में नहीं जाना चाहती है, नहीं जाना चाहता। तो आपने बोला कि भाई बहन से भी वो कर सकते हैं क्वेश्चन वगैरह, तो अगर वो भी बताते कि हाँ तू इस लाइन में जाना, तो पेरेंट्स कहते कि नहीं हमें ही कुछ नहीं समझा, तो तुम फिर कोई रह नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, सेम क्वेश्चन, बट जो था कि पेरेंट्स जो चाहते हैं हमें वो चीज करनी चाहिए, या फिर जो हमारा पैशन है, जो हम करना चाहते हैं वो चीज करनी चाहिए, तो उसमें इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है। आप जिस चीज के लिए पैशनेट है, आप जिस चीज के लिए पैशनेट है, अगर उस चीज में आप सही में बहुत अच्छे हैं, है ना, एक पैशन होता है, जैसे मुझे पैशन है कि मैं गाना गाऊं, बट जब मैं गाना शुरू करूंगा यहां से सब लोग सीधे दौड़ से बाहर निकल जाएंगे, राइट। अगर आप जिस चीज के लिए पैशनेट हैं और उस चीज में आप सही में बहुत अच्छे हैं, तो कोई दुनिया में ऐसा पेरेंट होगा ही नहीं जो मना करे, बट उसको आपको वो दिखाना होगा। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आपको दिखाना होगा कि सही, यू हैव टू प्रूव इट। अगर मैं कहूं, बहुत मतलब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अगर मैं अपनी मदर और फादर को जाके कहूं कि भाई मैं शेफ बनना चाहता हूं, शेफ बनना चाहता हूं, मैं बहुत बड़े रेस्टोरेंट, मैं एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं जिसमें मैं दुनिया भर के क्विजिन्स लोगों को खिलाऊंगा, और फिर अगर मम्मी कहे कि हाँ ठीक है कुछ बना के दिखाओ, और मैंने चीनी के जगह नमक डाल दिया, तो कौन आएगा ऐसे जगह? So if you have passion, show it. अगर passion है तो उसको दिखाइए, उस पर खरा उतर के दिखाइए, लोगों को प्रूव करके दिखाइए कि हाँ भाई मेरे में वो जज्बा है। अगर वो आपने जज्बा है और अगर आप उसने वो, आपने वो अचीव कर लिया, तो फिर दुनिया का कोई पेरेंट आपको मना नहीं। अगर आप कबड्डी में बहुत अच्छे हैं, और अगर आप, जैसे आपने कहा कि आप स्टेट रैंक पहुंच गई हैं, नेशनल खेल लिया, तो उनके पेरेंट्स उनको मना करेंगे कभी फेंसिंग के लिए आने से? कोई पेरेंट नहीं मना करेंगे। लेकिन हाँ, फेंसिंग के नाम पे अगर आप वो रामलीला वाला घुमाते रहेंगे, देन दैट नॉट हैपन, दैट्स नॉट डन। वन लास्ट क्वेश्चन देन, एंड देन वी विल रैप इट अप। हां, जो क्वेश्चन है सर, मैं आपके सर ओपिनियन पूछना चाहूंगा सर उसमें। सर आपने जैसे बोला कि जो आपने एक एग्जांपल लिया था कि आपके जैसे मथुरा में कोई भी स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है, तो उसको आप दो या तीन दिन में, एक हफ्ते में ठीक कराएंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर है और एक गवर्नमेंट सेक्टर है जिसका आप पार्ट है, उन दोनों में गवर्नमेंट सेक्टर में सर डिले क्यों होता है सर इतना, सर उसका कारण क्या है, मैं वो जानना चाहता हूं। बहुत ही दैट वेरी गुड क्वेश्चन की सर। इसको हमें इस तरीके से समझना होगा कि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है। टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट, है ना। और प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे आप, जब आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम देंगे, है ना। आपके स्ट्रीट पे जो मैं स्ट्रीट लाइट लगा रहा हूं, जो सरकार लगा रही है, उससे सरकार को क्या फायदा है? कोई बताएगा सरकार को क्या फायदा है? गांव में 11,000 मतलब एक स्कूल है 50 बच्चों का सरकारी स्कूल, जिसमें एक रुपए भी फी चार्ज नहीं होती है, लेकिन उन बच्चों को रोज खाना मिलता है, दो सेट यूनिफॉर्म मिलता है, स्वेटर मिलता है, और पूरे साल की किताबें दी जाती हैं। उससे सरकार को क्या प्रॉफिट मिल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जनरेशन को भी बेटर। सो अगेन, सो अगर आप में से 11th में कोई है, इकोनॉमिक्स पढ़े आप लोग, एक प्राइवेट गुड होता है, एक पब्लिक गुड होता है, एक मेरिट गुड होता है। थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स, प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड, मेरिट गुड। प्राइवेट गुड होता है जो मेरे पास है और एक्सक्लूसिव है मेरे लिए, और उसको मैं शेयर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, दिस जैकेट, इट्स अ प्राइवेट गुड, ये एक्सक्लूसिव है,
आप में से किसी ने नहीं पहना और मैं इसको शेयर करूं ना करूं मेरे ऊपर, राइट। पब्लिक गुड होता है जो कि सबके लिए होता है, रोड, रास्ता, स्ट्रीट लाइट, कूड़ा उठाना, सफाई करना, बेसिक एडुकेशन, बसेस, पब्लिक बसेस, पब्लिक बसेस। गवर्नमेंट कभी भी प्राइवेट गुड्स में नहीं घुसती है। फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, कभी सोचा आपने कि सरकार एक ब्रांड लॉन्च कर रही है गुची टाइप? नहीं ना, बिकॉज़ इट्स अ प्राइवेट गुड। पेंस, सरकार पेन नहीं बनाती, करेक्ट। चश्मे, सरकार बनाती। घड़ियां, निंटेंडो, प्लेस्टेशन, कभी सरकार बनाती है? नो। क्रिकेट बैट्स, बैडमिंटन रैकेट्स, दीज आर प्राइवेट गुड्स जिसमें प्रॉफिट मोटिव होता है प्राइवेट सेक्टर। सरकार हमेशा पब्लिक गुड्स पे काम करती है जिसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। टैक्स भी लोगों ने कहा है यहाँ पे कि लोग टैक्स लेते हैं। लेट मी टेल यू, अगर हमारी आबादी 130 करोड़ की, ओनली 3% पीपल पे टैक्सेस। 100 में से ओनली 3% पीपल पे टैक्सेस। ऑफ द 3% प्रॉब्ली हाफ ओनली पे द करेक्ट टैक्सेस, 50% डोंट पे द करेक्ट टैक्सेस। तो जब हमें करना है, हमें कोई गुड देना है, उसमें एक हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं। प्रॉफिट तो आप वापस बिजनेस में डाल दोगे ना, पर जब आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा, टैक्स 3% लोग दे रहे हैं जिसमें से 1.5% होगी सही टैक्स, तो पैसा कहाँ जाएगा? और जो 1.5% लोग टैक्स दे रहे हैं वो सारे यहाँ सामने बैठे हैं, राइट। तो इनसे हम पैसा लेते हैं और फिर हम स्ट्रीट लाइट के पास। सो थैंक यू नीरज जी, थैंक यू। प्रश्न होंगे प्लीज उसको लिख के, नाम और स्कूल से, नाम कक्षा और स्कूल से मुझे नीरव जी के द्वारा उपलब्ध करवा दीजिएगा, एंड आई ट्राई टू गेट बैक टू यू विद इन 2 or 3 मिनट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।